हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइव चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये नोट पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है। 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोलीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स, और 1 आवर इक्वल 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो क्वेश्चन फर्स्ट को आते हैं, एक्सरसाइज है 6.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट इसमें कहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें रेशो फाइंड करना है। क्वेश्चन है 45 पैसे टू रुपीज 3, नहीं 3 रुपीज और 45 पैसे के हमें कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है यहाँ पर रुपए में है और पैसा स्मॉल क्वांटिटी है, यानी कि रुपए को पैसे में चेंज कर लेंगे। इनका जो रेशो फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे रेशो ऑफ 45 पैसा टू 3 रुपए। तो 45 ये पैसा है, पैसे रेशो, ये रेशो साइन है, रुपीज 3 लिखेंगे, 45 पैसा छोड़ देंगे, इसको पैसे में चेंज कर लेंगे 3 को, तो 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको लिखेंगे 45 अपॉन 300, मल्टीप्लाई कर देंगे 300, और ये 15 से डिवाइड होगा ये 3 टाइम, और ये 15 से डिवाइड होगा 20 टाइम, तो 3 अपॉन 20, इट्स मीन 3 रेशो 20, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो फाइंड करना है बी क्वेश्चन में, 25 मीटर रेशो 2 किलोमीटर इक्वल। देखिए यहाँ किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर स्मॉल क्वांटिटी है और ये ग्रेटर क्वांटिटी है, तो यानी कि 25 मीटर रेशो 2 किलोमीटर, 2 इंटू 1000 मीटर, अब ये मीटर में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहां से मीटर को हटा देंगे, 25 अपॉन 2000 और 25 से कटेगा 40 टाइम, 1 अपॉन 80 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिया गया ये 1 रेशो 80, दैट्स आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली आपको सी पार्ट करना है, डी पार्ट इसमें दिया है, 3 kg 400 ग्राम टू 5 kg, ठीक है। यहां पर इनका रेशो फाइंड करना है, तो लिखेंगे रेशो ऑफ दिस एंड दिस, तो 3 kg 400 ग्राम, तो 3 kg को भी ग्राम में चेंज कर लेंगे, इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1000 प्लस 400 ग्राम प्लस 400 रेशो 5 kg, 5 × 1000 ग्राम, ये भी ग्राम में चेंज हो चुका है और ये भी ग्राम, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। सो सॉल्व करेंगे, ये 3400 रेशो 5000 या 3400 अपॉन 5000, कैंसिल आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड होगा 25 टाइम, इट्स मीन दैट्स 17 रेशो 25, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ 4 मंथ्स टू 1 ईयर इक्वल, 4 मंथ रेशो 1 ईयर, यहां पर 1 ईयर इक्वल टू होते हैं 12 मंथ, सो 4 मंथ्स मंथ हटा देंगे, इसको मंथ में चेंज कर लेंगे, 4 मंथ्स रेशो 1 × 12 मंथ्स, यानी 4 अपॉन 12, 1 अपॉन 3, 4 से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 3, यानी कि 1 रेशो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है, रेशो ऑफ 2 आवर्स एंड 30 मिनट टू 5 आवर्स, तो 2 आवर्स एंड 30 मिनट और ये 5 आवर्स, तो इनको कंप्लीट मिनट में चेंज कर लेंगे, 2 आवर्स इक्वल टू 2 × 60 मिनट प्लस 30 मिनट रेशो टू 5 आवर्स, 5 × 60 मिनट,
ये भी मिनट में और ये भी मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको लिखवाया था पीछे, ठीक है, इसलिए लिखवाया था आपको कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पर ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में चेंज कर देंगे। सोल्व करेंगे इसको, ये जगह 120 प्लस 30 यानी कि 150 रेशो 300, 150 अपॉन 300 इक्वल 0 0 कैंसिल जाऊंगा, 15 और 15 टू जा 30, 1 अपॉन 2 इक्वल 1:2, दैट्स आंसर। क्वेश्चन सेकंड, विच रेशो इज ग्रेटर इन द फॉलोइंग पेयर, इन पेयर में कौन सा रेशो ग्रेटर है यह हमें फाइंड करना है। 4:7 और 6:7, 4:7 इट्स मीन 4/7 और 6/7, द डिनोमिनेटर आर इक्वल, सो दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर टू 4, सो 6:7 इज ग्रेटर देन 4:7, दैट्स आंसर बी पार्ट। 7:9 और 13:50, 7:9 और 13:50 इक्वल 7/9 और 13/50। यहां से जो डिनोमिनेटर है वे इक्वल नहीं है, सो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये चेक कर लेंगे कि जो वैल्यू ग्रेटर आएगी उसी साइड की जो यहां पर रेशो है वो ग्रेटर है। तो 7 × 50 और 9 × 13, फिर की मल्टीप्लाई साइड में, उसकी मल्टीप्लाई इस साइड में, और दिस इक्वल 15 × 7 = 105 और 9:13 यानी कि 170। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर टू दिस एंड दिस एंड दिस, सो 13 ये वैल्यू ग्रेटर है, सो 13:15 इज ग्रेटर देन 7:9। सिमिलरली आपको सी और डी पार्ट करना है। क्वेश्चन थर्ड, डिवाइड 380 रुपीज इन रेशो 7:12, यानी कि देखो 380 रुपीज को हमें डिवाइड करना है इनटू इन द रेशो ऑफ 7:12। सबसे पहले देखिए हमें डिवाइड करना है 380 रुपीज को 7:12 के रेशो। सबसे पहले हम सम करेंगे, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो इक्वल हो जाएगा 7/12 इक्वल टू 19। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट है वो 7 है, ठीक है, कितने में से 380 रुपीज से, यहां लिखेंगे नाउ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 7, यदि 7 कितने में से है 19 में से, और किसको डिवाइड करना है 380 को, तो 7/19 इंटू 380, 19 × 2 = 38, 20 टाइम डिवाइड होगा ये, और 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140 रुपीज। एंड सेकंड पार्ट इक्वल हो जाएगा, सेकंड पार्ट है 12, तो 12 upon 19 इंटू 380, 19 × 38 सोल्व करेंगे 240 रुपीज, दैट्स आंसर। सिमिलरली आपको फोर क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन 5, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल और नॉट, यानी कि इसमें फोर नंबर यहां पर गिवन है,
और हमें चेक करना है कि ये नंबर प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, देखो ये जो नंबर है एक्सट्रीम नंबर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर मीन नंबर है जो मिडिल में है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मल्टीप्लाई इक्वल आती है तब ये प्रोपोर्शनल होंगे, और यदि मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आती तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। सो 30 into 60, ठीक है 30 into 60 यहाँ करेंगे तो आएगा 00 रख देंगे और 6 3 18 नाउ एंड 45 into 40 जीरो 4 5 20 कैरी 2 और 4 4 16 और 2 18 सो देर आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर एंड इंटीरियर नंबर सो आर इक्वल सो दिस इज दिस गिवन नंबर आर प्रोपोर्शनल हैंस 30 45 40 and 60 आर इन प्रोपोर्शनल बी पार्ट सी पार्ट ये सभी आपको सिमिलरली करने हैं। देखिए इसमें डी पार्ट करा रहे हैं, नंबर गिवन है 18 12 16 and 14 तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर तो 18 into 14 equal आपको मल्टीप्लाई करना 18 4 72 कैरी 7 18 18 और 7 25 एंड 12 into 16 16 2 32 कैरी 3 और 16 और 3 19 ठीक है। यहां से ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो हमारी आई है ये इक्वल नहीं है बच्चों। सो गिवन नंबर 18 12 16 and 14 आर नॉट इन प्रोपोर्शन ठीक है।